हल्द्वानी जिले में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बंटूलिया ने नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि निगम के द्वारा शहर के कुछ हिस्सों में फॉगिंग कराकर खानापूर्ति की जा रही है। वहीं निगम प्रशासन के पास फॉगिंग कराने को लेकर पर्याप्त मात्रा में मशीनें नहीं है, जिस कारण डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वहीं नगर निगम के आयुक्त पंकज उपाध्यक्ष ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है, साथ ही शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर लगातार फॉगिंग की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। डेंगू को स्रोत पर नष्ट करने के लिए, उसकी लार्वा को नष्ट करने के लिए जो प्रबंधन नगर निगम द्वारा किया गया, जिसमें हमारे तीन टैंकर और 5 किराए पर लेकर के हम टैंकर चला रहे थे। किराए के टैंकर वर्तमान में बंद हो गए हैं और हमारे 3 टैंकरों से छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। तो लगभग हमारे 100 लड़के इससे मैन के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से और बैणी सेना हमारी नगर निगम की ओर से काम कर रही थी घर घर में जा करके, जिसमें रुके हुए पानी को, जमा पानी को, स्टोर पानी को गिराना, नष्ट करना, अवेयर करना और कहीं कोई संवेदनशील जगह है घर के अंदर, घर के आसपास, उस पर लार्वा सेल का छिड़काव करना। देखिए, फॉगिंग, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉगिंग से क्या होता है कि जो मच्छरों की कॉलोनी है, उस मच्छरों की कॉलोनी को आप थोड़ी देर के लिए, वो वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यदि फॉगिंग व्यापकता के साथ एक साथ पूरे शहर में चलाई जाए तो तब तो उसका असर होगा। हमने यहाँ फॉगिंग करी, यहाँ का मच्छर दूसरी जगह पर चला गया, फिर हमने 15 दिन बाद वहाँ करी, तब तक तो मच्छर का तो आप भगा ही नहीं पा रहे। तो फॉगिंग को पूरे नियम से करना चाहिए और एक साथ पूरे शहर में आपके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी मशीनें होनी चाहिए कि आप पूरे शहर में करें। और फॉगिंग में आप क्या केमिकल मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं, कि वो जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होना चाहिए।